कुछ इतनी बड़ी मैस है, कूदेंगे ना वहाँ से जाकर। ये भाई का रूम देखने जा रहे हैं। ये बेड भी आपको मिलता है, हॉस्टल मिल ही जाए। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। तो कल मैंने हॉस्टल टूर की वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम मैं इंट्रो वीडियो बनाना भूल गया था, तो आज ये उसका नेक्स्ट डे है, ठीक है। और आप देखो, हॉस्टल जाके मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा था हर चीज़ में। वीडियो के एंड में मैं आपको हॉस्टल 2022 का फ़ी स्ट्रक्चर भी दे दूंगा, तो वो आप देख लेना कैसे कैसे फ़ीस है। तो बस यही है, देखो आप जाके। यहाँ अभी हॉस्टल की जिम में कुछ काम चल रहा है, तो सारा सामान बाहर रखा हुआ है, वैसे ज़्यादा नहीं है, यही है जो है। ये है 6th फ्लोर, भाई क्या व्यू है। हवा काफ़ी बड़ी चल रही है 6th फ्लोर पे। अब इसके टॉप फ्लोर शायद 10th या 9th है, अभी ऊपर चलते हैं। अब यार टॉप फ्लोर पे चलते हैं, कूदेंगे ना वहाँ से जाकर। वेट अ मिनट, पूरे जॉइंट है मतलब दोनों। हवा काफ़ी बढ़िया आ रही है इधर। ये कभी भी गिर सकता है, अबे गिर जाएगा ये, ध्यान से आ। गिर गया था एक बार। अब ये भाई का रूम देखने जा रहे हैं। आज हॉस्टल टूर कराएगा आपका भाई, बढ़िया से। भाई का रूम देखने आया अभी। ये टेंट है। अबे वैसे ये रूम बड़ा लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं सारे, अबे नहीं, एक वो है क्या नाम है, शिवांग नाम है ना उसका, मैंने देखा था उसका ना बहुत छोटा था ये, उसकी अलमीरा इस साइड थी। ये देखो भाई, यहाँ पे भाई का बेड टेबल कैसा लगा उससे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। हॉस्टल वैसे काफी बढ़िया है, अब मिल जाए वो अलग बात है, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं। तुझे दिखा दूँ अभी हॉस्टल की मैस दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब बंदों से मैंने पूछा, जो खाना वगैरह वो भी बढ़िया है, पर मैं आपको वैसे ओवरलुक देता हूँ कि है कैसा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कुछ इतनी बड़ी मैस है बस, यही बंदे खाना खा रहे हैं, लंच टाइम हो रखा है। अभी फिर से आपको रूम टूर कराने आया हूँ, क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अभी फिर से किसी और भाई का रूम है वो आपको दिखाने आया हूँ, और दिखाता हूँ। व्यू देखो, मतलब यहाँ से हर बिल्डिंग से ना एक व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा है। हॉस्टल तो काफ़ी है, ये उस साइड पूरा, यहाँ से एग्जिट, और ये अभी लॉक्ड है, मतलब अभी बंदे आए नहीं है। ये देखो ब्रिज, आओ आपको रूम टूर कराता हूँ। गेट रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सामने कवर्ड है, ये विंडो बालकनी वगैरह ज़्यादा बड़ी नहीं है, कूलर भाई ने खुद लगाया है, टेबल आपको मिलती है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है पर मतलब ठीक है। एक बंदे के साथ ये बेड भी आपको मिलता है। हॉस्टल रूम ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मतलब एक बंदे के लिए काफ़ी बढ़िया है, और ओपन है फ्लोर भी, और मेन पॉइंट ये है चारों तरफ से खुला हुआ है, एक बंदे के लिए काफ़ी ठीक है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, बंदे बता रहे हैं मतलब ठीक है, रात को ज़्यादा क्राउड नहीं होता, यही था बस। पूरे हॉस्टल में बस व्यू काफ़ी बढ़िया है, रात को या फिर सुबह के टाइम बैठने में काफ़ी मज़ा भी आएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ ज़्यादा ही एकदम ओपन टाइप एरिया है, ये पूरा ओपन है और दूर दूर तक ग्रीनरी देख रहे हो। ये यहाँ पे सामने स्टाफ बिल्डिंग है, और ये भी यहाँ पे स्टाफ बिल्डिंग है, अभी हम शायद 7th फ्लोर पे हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है।
मुझे को काफ़ी मतलब अब अंदर से मन होने लग गया कि भाई बस हॉस्टल मिल ही जाए, अब हॉस्टल लाइफ एक बार जी के देखनी है, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लग गया। भाई का स्वैग ये बंदा सही मजे ले रहा है। वॉशरूम वगैरह भी साफ है इन कंपैरिजन टू अगर बाकी स्कूल, जैसे स्कूल वगैरह के आप देखो या बाकी कॉलेजेस के देखो तो उनके कंपैरिजन में काफी साफ है। अभी बस बैडमिंटन खेल के आए हैं और बस अब कुछ काम भी नहीं, अब घर ही जाएंगे सीधा, खाने का देखना है शायद देकर जाएंगे। अभी कॉलेज में कुछ भी नहीं हो रहा तो व्लॉग बना लेते हैं भाई ऐसे अब शब्द बातें बात कर, व्लॉग में बीप लगानी पड़ेगी नहीं तो, अब लग चुकी होगी। अब क्या, अब कुछ नहीं, बस घर जाएंगे, फॉर्म देने थे वो भी हो गया, हॉस्टल का भी सबमिट हो गया। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। पहले मैं सी प्लस करता हूँ, हाँ वो पहले मैं कंप्लीट करता हूँ सी प्लस प्लस, और उसके बाद मैं किसी भी एक कॉम्पिटेटिव कोडिंग साइट पे जाके लीड कोड हो गया, हैकाथॉन हो गया, यहाँ जाके मैं क्वेश्चन करता हूँ रेगुलरली। पहले डी एस ए करना जाऊँगा, डी एस ए करने लग जाओ, उसके बाद फिर वहीं से प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन की, और डी एस ए पढ़ के और फिर जाके मैं गूगल में। अभी 5 बज चुके हैं और बस निकल ही रहे हैं कॉलेज से, आज कुछ हुआ भी नहीं, बस मैंने हॉस्टल का फॉर्म दिया और क्लासेस भी नहीं हुई, एक थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था वो भी देना था, मतलब आज फॉर्म का काम हुआ। आज भी जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो 19 से स्टार्ट होगा, तो मंडे है 19 को, तो बस अभी तो उसने भी निकल रहा है। जिस भैया ने बाइक सीखी थी आज वो स्कूटी लाया है आज स्कूटी से जाएंगे निकल। तो भाई ये लो हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर और ये कुछ हॉस्टल चार्जेस हैं, ठीक है आप इनको कैलकुलेट कर लेना। और ये है मेस चार्जेस, ये एनुअली है 36,000, और जो टोटल चार्जेस आपको पड़ते हैं वो है ये, ठीक है न्यू एडमिशन के लिए ये हॉस्टल चार्जेस है 29,500 और मेस चार्जेस हैं 36,000 और 3,000 है वेलफेयर चार्जेस। तो भाई आपने हॉस्टल की वीडियो देखी और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि एक हॉस्टल का ब्लॉग बन जाए, तो आज बन गया। वैसे कॉलेज का चाहे कोई भी स्टूडेंट हो किसी को अलाउड नहीं करते हॉस्टल में जाने के लिए, पर आज हम फॉर्म देने गए थे तो इसलिए ऐसे निकल गए फिर, नहीं तो वैसे सिक्योरिटी गार्ड जाने नहीं देता, सिर्फ हॉस्टल के बच्चे जा सकते हैं और किसी को अलाउड नहीं होता कॉलेज हॉस्टल में जाना। तो वैसे आज मैंने फॉर्म दे दिया है, मेरे को ठीक लगा क्योंकि बंदे बता रहे थे कि शोर वगैरह ज़्यादा नहीं होता, साफ़ सफाई भी आप मैंने दिखाई आपको बढ़िया थी, एक बंदे के हिसाब से रूम काफ़ी बढ़िया है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, साइज़ ठीक है, आपको एक बेड मिल जाता है एक टेबल मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए, और बालकनी अगर आपको कूलर वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो समर में, अब तो विंटर्स आ गए अब इतनी टेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। मैंने फॉर्म भर दिया है तो मेरा मन है अब लेने का, मिले ना मिले वो देखते हैं, अभी फॉर्म तो डाला है। और वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।